इंसान ने प्रकृति पर विजय पाने के सारे हथियार आजमा लिए हैं, मगर आज भी वह इसमें पूरी तरह से सफल रहा है। प्रकृति आज भी किसी न किसी रूप में इस सृष्टि में अपनी प्रचंड ताकत का एहसास कराती रहती है, चाहे वह किसी भयंकर तूफान के रूप में हो या भूकंप या फिर ज्वालामुखी। इतिहास गवाह है कि इस पृथ्वी पर ज्वालामुखी पर्वतों ने कई सभ्यताओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इटली की वियोसियस ज्वालामुखी से निकली आग, लावे और धुएं ने 2000 साल पहले पूरी सभ्यता को ही खत्म कर दिया था। माना जाता है कि यह पर्वत हर 2000 साल में इसी तरह का रूप दिखाता है। सिसिली का माउंट एटना भी ज्वालामुखी पर्वत कुछ ऐसा ही है। इसके अलावा ये कई ज्वालामुखी पर्वत अपना मुंह खोले ऐसा ही कुछ करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आज भी लाखों इंसान इन ज्वालामुखी पर्वतों के साये में रह रहे हैं। इन पर यह खतरा हर समय मंडराता रहता है। पूरी दुनिया में आज भी कई जीवित ज्वालामुखी पर्वत मौजूद हैं। आज भी वैज्ञानिकों के लिए ये गहरी दिलचस्पी के विषय है। इस पृथ्वी पर कितने भी ज्वालामुखी मौजूद हैं, उनमें से ज़्यादातर 10,000 से 1,00,000 साल पुराने हैं। वक्त के साथ साथ इनकी ऊंचाई भी बढ़ सक जाती है। ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाली चीज़ों में मैग्मा के साथ कई तरह की विषैली गैस होते हैं। यह गैसें आसपास बसे लोगों के लिए काफ़ी घातक होती है। इन पर्वतों से निकला मैग्मा एक बहती हुई आग के समान होता है। यह अपने सामने आई हर चीज को पूरी तरह से खत्म कर देता है। किसी भी ज्वालामुखी की आग उगलने से पहले कुछ परिवर्तन सामान्य रूप से देखे जाते हैं। इनमें उस जगह के आसपास मौजूद पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगता है। ज्वालामुखी फटने से पहले भूकंप के कुछ हल्के झटके भी आते हैं। इन तमाम बातों के अलावा ज्वालामुखी क्या क्या तबाही लाने वाला है, इसका संकेत वह स्वयं ही देता है। फटने से पहले इस पर्वत में गैसों का रिसाव शुरू हो जाता है। गैसों का यह रिसाव इसके मुहाने या फिर क्रेटर से होता है। इसके अलावा पर्वत में कई जगह पैदा हुए दरारों से भी इन गैसों का रिसाव होता है। यह इस बात का संकेत है कि इसके आग उगलने का समय आ गया है। इन गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि प्रमुख होती है। इनमें से हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड बेहद खतरनाक होती है। यह वातावरण को काफ़ी प्रदूषित करती है। ज्वालामुखी से निकले लावे में कई तरह के खनिज भी होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कई तरह के चट्टानों से बने होते हैं। इसमें काली, सफ़ेद, भूरी चट्टानें आदि शामिल है। अमेरिका ने एडिस पर्वतमाला को ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला के तौर पर लिया जाता है। हवाई में मौजूद कई टापू अपने काली मिट्टी से बने तटों के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। ये तट और कुछ नहीं बल्कि इन पर्वतों से निकलने वाले खनिज ही हैं। ज्वालामुखी जमीन की अथाह गहराई से छिपे खनिजों को एक ही बार में बाहर फेंक देता है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक पूरी दुनिया में करीब 1500 जीवित ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी दो तरह के होते हैं, जीवित और मृत। हमारा हिमालय एक मृत ज्वालामुखी है, इसलिए हमें इससे कोई खतरा नहीं है। मगर दूसरी तरफ माउंट एटना समेत कई अन्य जीवित ज्वालामुखी हैं, क्योंकि इनसे समय समय पर लावा और गैस निकलती रहती है। ये इंसानी जान के लिए हमेशा से ही खतरनाक रहे हैं। एशिया महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी न सिर्फ हमारी धरती पर ही मौजूद है बल्कि इनका अस्तित्व महासागरों में भी होता है। समुद्र में करीब 10,000 ज्वालामुखी मौजूद है। आज भी कई ज्वालामुखी वैज्ञानिकों की निगाहें से बचे हुए हैं। हाल ही में इंडोनेशिया समेत
कई अन्य देशों में आई सुनामी भी एक ज्वालामुखी का ही भयानक परिणाम था। सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत हवाई में है। इसका नाम मोनलो है। यह करीब 13,000 फीट ऊंचा है। यदि इसको समुद्र की गहराई से नापा जाए तो यह करीब 29,000 फीट ऊंचा है। इसका अर्थ यह है कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। इसके बाद सिसली के माउंट एटना का नंबर आता है। यह विश्व का एकमात्र सबसे पुराना ज्वालामुखी है। यह 3,05,000 साल पुराना है। ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली को तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है। इसकी वजह है कि वह हर वक्त सुलगता रहता है। ज्वालामुखी से होने वाली तबाही का इतिहास काफ़ी पुराना है। वर्ष 1994 में मरपी नामक ज्वालामुखी फटने से हजारों लोगों की जान चली गई थी। मरपी का अर्थ होता है माउंट ऑफ फायर। अकेले अमेरिका के 48 राज्यों में करीब 40 से अधिक जीवित ज्वालामुखी मौजूद हैं। इन आग बरसाने वाली पर्वतों में अमेरिका का रेनियर प्रमुख है। इसके फटने का अभी तक कोई इतिहास नहीं है, मगर इसके बावजूद यहाँ से काफ़ी समय से जहरीला धुआं और गैस बाहर आ रही है, इसलिए यह कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। 1984 में कोलंबिया में ज्वालामुखी के फटने से ही करीब 25 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इस पृथ्वी पर जितने भी ज्वालामुखी मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर 10,000 से 1,00,000 साल पुराना है। वक्त के साथ साथ इनकी ऊंचाई भी बढ़ जाती है। ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाली चीज़ों में मैग्मा के साथ कई तरह की विषैली गैस भी निकलती है। ये गैसें आसपास के बसे लोगों के लिए घातक सिद्ध होती है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।